फर्स्ट आप बात करते हैं, मैंने कहा कि मेनली बात कर रहे हैं कि आपका सर्वाइवल के सीक्रेट्स की एनर्जी फ्लो, जिसकी लास्ट टाइम आप बात हम बात कर चुके हैं कि एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे मूव करती है, ठीक है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में मूव करती है, कैसे मूव करती है। हमने कहा था कि सन से सोलर रेडिएशन वो अचीव करेगी, आप फिगर में देख सकते हैं, मैंने बहुत ज्यादा इसमें कुछ बनाया डाला ही नहीं है टेक्स्ट। आप देखिए, सोलर सन से सोलर रेडिएशन लेगी, प्रोड्यूसर्स फूड फॉर्म करेंगे, यानी ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, ये फूड फॉर्म करेंगे और उसके बाद ये एनर्जी ट्रांसफर, यानी इन ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूमर्स यानी हर्बीवोर्स ने इनटेक किया तो उनको एनर्जी मिलेगी, और यहाँ कंज्यूमर्स को इनटेक करेंगे डिकम्पोजर्स, और डिकम्पोजर्स यानी इस लेवल पे आपके एनर्जी ट्रांसफर होगी, देन डिकम्पोजर्स से वापस ये जाएगी आपके एबायोटिक केमिकल्स में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मिनरल्स के फॉर्म पे, और हीट हर ट्रॉफिक लेवल पे हीट ट्रांसफर होगी। ये लास्ट टाइम हम इसको डिटेल में बात कर चुके हैं, यानी आपका किसी भी एरिया में सर्वाइवल के लिए जो दो इम्पोर्टेंट थिंग है, फर्स्ट आपका एनर्जी फ्लो, जिसकी आप लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, और सेकेंड थिंग आपका मेटल रिसाइकलिंग। तो मेटल रिसाइकलिंग पे आज हम बात करेंगे। तो आपका आता है नेक्स्ट एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो एनर्जी इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये कहते हैं कि हर इकोसिस्टम में सारे मैकेनिज्म एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जो ह्यूमन लाइफ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें क्या क्या है, अभी बात की थी मैंने कि वो वाटर साइकिल है, वो कार्बन साइकिल है, वो ऑक्सीजन साइकिल है, वो नाइट्रोजन साइकिल है, और वो एनर्जी साइकिल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बहुत ज्यादा इसमें ना जाते हुए आगे इंक्रीज करेंगे, तो जो मैंने टर्म स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो जियो केमिकल साइकिल क्या मतलब है इसका? बायो जियो केमिकल का मतलब है, बायो मीन्स आपका, क्योंकि ये सारी की सारी साइकिल लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, और क्योंकि ये अर्थ में हो रही है, जियो दोनों की जो प्रोसेस है, बायो जियो केमिकल साइकिल्स हमने क्यों कहा, बायो मीन्स लिविंग, जियो मीन्स अर्थ, एक केमिकल साइकिल, और ये सारी की सारी जो साइकिल्स हैं वो पर्टिकुलर किसी न किसी केमिकल की है, तो बायो जियो केमिकल साइकिल्स इसको इसलिए कहा क्योंकि ये अर्थ में हो रही है, इसीलिए इनको बायो जियो केमिकल साइकिल कहा जाता है। एवरी पार्टिकल इन द ऑर्गेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल। हाँ, आपका छोटे से छोटा पार्ट भी है वो भी बायो जियो केमिकल साइकिल का पार्ट है। अब इसमें बायो जियो केमिकल साइकिल में एक्चुअल में होता क्या है कि आपके स्टेप बाय स्टेप जो ऑर्गेनिजम्स हैं मूव करते हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी कंटिन्यूएशन में यहाँ पर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल भी होगा, सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा एंड फोर्थ भी होगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, यानी केमिकल्स कंटिन्यूअसली कंज्यूम भी होंगे। यहाँ पर बात करने केवल केमिकल्स की करूँ तो केमिकल्स कंज्यूम होंगे, देन रीअरेंज होंगे, स्टोरेज होगी और फिर यूज किए जाएंगे, यानी ये कंटिन्यूएशन में साइकिल में मैटर चलता है, इसीलिए इसको कहा आपका बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है। अब इस बायो जियो केमिकल साइकिल की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका सबसे पहले हमने कहा कि मैटर की अगर मैं बात करूं तो मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये आप काफी समय से पढ़े आ रहे हैं, आपने थर्मोडायनेमिक्स लॉ भी पढ़े हैं, काफी सारी चीजें, तो उसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो किसी भी मैटर का जो पार्टिकल है वो ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, यानी वॉटर या न्यूट्रिएंट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड और ऑब्टेन आपके केमिकल से इसको प्रोड्यूस किया जाएगा या आप लेंगे, वो एनवायरनमेंट में पहले से है, हम उसको क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट में पहले से है, यानी हर पार्टिकल छोटे से छोटा मैटर या हर छोटे से छोटा पार्टिकल आपकी इन बायो जियो केमिकल साइकिल्स का पार्ट होता है, ठीक है। अब बायो जियो केमिकल साइकिल में हम सबसे पहले बात करते हैं वाटर साइकिल, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर साइकिल की। सो वाटर साइकिल में आप देखिए कुछ टर्म्स इसमें लिखे हुए हैं, इसमें लिखा, आप अगर इस डायग्राम को देखें तो कुछ टर्म्स इसमें है, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन। आपका
वाटर साइकिल शुरू होती है इवेपोरेशन से, ठीक है, इवेपोरेशन से शुरू होगी और रन ऑफ पे जाके खत्म होती है। इवेपोरेशन होगा या ट्रांसपिरेशन होगा, और इस इवेपोरेशन के बाद आपका कंडेंसेशन होगा, देन कंडेंसेशन के बाद वापस प्रेसिपिटेशन होगा, और प्रेसिपिटेशन के बाद फाइनली रन ऑफ होगा। अब मैं ये टर्म्स तो यूज की, मे बी आप में से कई सारे ऐसे होंगे या मोस्टली 100% होंगे जिनको आता होगा, बट मैं थोड़ा सा आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपने कहा, मैंने कहा इवेपोरेशन यानी जो भी पानी है अर्थ की सरफेस में वो चेंज होता है अपनी सेकेंड फॉर्म यानी वेपर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म वेपर फॉर्म में चेंज होगी। अब कैसे होगी ये चेंज? मैंने भी कहा कि सन से रेज वो इनटेक करेगा, सन हीट जब वाटर को मिलेगी तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, वो गर्म होंगे। जब हम गैस पे पानी को रखते हैं तो आपने देखा होगा पानी में बबल्स आने लगते हैं, धीरे धीरे उसमें फ्यूम्स बनने लगते हैं। अगर आप उसमें कोई ढक्कन रख दें तो ढक्कन के नीचे देखा होगा वाटर के छोटे छोटे बबल्स दिखने लगते हैं, तो वो वेपर्स वेपर्स जो है वापस कर। आप बिल्कुल ऐसे समझिए, एक आपने बर्तन में पानी रखा और उसमें आपने गैस जलाई, इस गैस को आप मान लीजिए कि सन रेज है। इन सन रेज ने जब इस वाटर के सरफेस को टच किया, गर्म किया, तो वाटर अपने वाटर लेवल से वेपर में कन्वर्ट हुआ। जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा, अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे तो वेपर्स एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ मिक्स होगी, उसके बाद का प्रोसेस अभी हम बात करते हैं। अगर आपने इसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया यानी इसको कवर कर दिया, तो क्या होगा, कवर जैसे ही आप करेंगे ये वाटर वेपर्स वापस कंडेंस होगी और नीचे वापस उसी पानी में गिर जाएगी, ये रन ऑफ है। तो वाटर साइकिल का ये आपका जो प्रोसेस था बिल्कुल ऐसे ही, देखिए इवेपोरेशन हुआ, देन कंडेंसेशन यानी जो वेपर्स ऊपर गई ये एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ठंडी होंगी, और ठंडी होने के बाद वापस इसका कंडेंसेशन होगा, ठीक है। अब आपके मैं कहूँ कि इवेपोरेशन तो प्रोसेस समझ में आई कि हमने कहा कि जो भी वाटर है, सॉल्ट वाटर कह सकते हैं, फ्रेश वाटर कह सकते हैं, जो भी आपका अर्थ में, आपको पता है कि बहुत वाटर कई सारे फॉर्म्स में होता है, तो ये वाटर आपका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर के एटमॉस्फेरिक गैसेस के संग मिक्स हो जाता है, इसे कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। देन आता है एक प्रोसेस, आप एक और देख रहे हैं इस डायग्राम में, अगर मैं देख बता अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप एक चीज और देख रहे हैं इसमें, एक होता है सब्लिमेशन, एक टर्म और मैं यूज कर रही हूँ। आप एक चीज देखिए, आइस और स्नो डायरेक्टली वाटर वेपर में चेंज हो जाती है विदाउट मेल्टिंग और लिक्विड वाटर, यानी एक तो हुआ कि ये आपका मेल्ट होगी, देखिए आइस और स्नो, एक तो हुआ आपका कहा कि ये मेल्ट हो गई और रन ऑफ होकर के ओशन में जाके मिली, फिर उसका वेपर इवेपोरेशन हुआ। दूसरा, आइस और स्नो कभी कभी बिना वाटर यानी आपके सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली वेपर फॉर्म में यानी गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। देन एक आपका टर्म यूज होते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक्चुअल में क्या होता है, जब प्लांट वाटर वेपर रिलीज करते हैं लीफ पोर के थ्रू। आपने आपको पता है कि जो आपका प्लांट की लीफ में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। प्लांट पानी लेता है अपने रूट्स के थ्रू और जितना उसे जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए एंड और बाकी सारे प्रोसेस के लिए, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं उसके पास कोई बैरोमीटर या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी लेगा। जब उसने एब्जॉर्प्शन किया वाटर का, कभी कभी वो वाटर उसमें ज्यादा हो जाता है, तो जो एक्सेस वाटर है उसकी जो डेली एक्टिविटीज है उससे ज्यादा हो जाता है, तो ये जो वाटर एक्सेस वाटर है ये वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, ये मैंने आपको दो तीन प्रोसेस बताई। देन आते हैं कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है, लो डेंसिटी वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होगी वो क्या होंगे। आपने कहा कि वाटर वेपर धीरे धीरे, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तो नीचे रहेगा, सॉरी ज्यादा होगी वो तो नीचे रहेगा, लेकिन जिसकी डेंसिटी कम होगी वो धीरे धीरे क्या यानी हल्का होगा, वो सीधे धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जाने लगेगा। जब
वाटर वेपर हायर अर्थ सरफेस में पहुंचेगा तो क्या होगा, वहां पर वही कूल होने लगेंगे, वाटर पे ऊपर जाते आते इनका एनर्जी लेवल कम होगा और इसमें ये ठंडे होने लगेंगे, ठीक है, और कंडेंस हो जाएंगी ये किस में, टाइनी डस्ट पार्टिकल के साथ। यानी वाटर वेपर जब लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगी कैसे, क्या क्या बनाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करेगी, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। अगर बहुत ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी दे में भी आपको कैसे दिखाई देंगी, जब वो सांस में एक साथ कलेक्ट होती है ना, तो आपको क्लाउड फॉर्म करता है, आपको बादल दिखाई दे रहे हैं स्काई में, इसका मतलब बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो गई है, मिक्स होकर के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, इसे क्लाउड कहते हैं, ठीक है। और आपका जब अर्थ ये कब गिरेंगी, ग्रेविटी एज प्रेसिपिटेशन होने लगा, यानी अर्थ अपनी तरफ क्या करती है, किसी हैवी चीज को पुल करती है, आपने गुरुत्वाकर्षण बल सुना है, तो उस ग्रेविटी की वजह से ये पार्टिकल्स को जो आपके कई सारे पार्टिकल्स मिलके जो क्लाउड फॉर्म कर रहे थे उनको अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो क्या होने लगती है, रेन होती है, स्नो होती है, हेल्स होते हैं, ये सारी चीजें, यानी वाटर वापस वापस घूम फिर के, वाटर आपका कहाँ आ गया, ये कहाँ गिर सकता है, आपके ओशन में गिर सकता है, आपके मैंने पहले ओशन क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है कि वाटर मैक्सिमम हमारा जो वाटर है वो कहाँ होता है, आपका मैक्सिमम वाटर का जो पोर्शन है हमारा वो कहाँ प्रेजेंट है, आपके ओशन में है, ये फ्रेश वाटर में हो सकता है, ये स्ट्रीम्स में हो सकता है, ऐसा नहीं केवल ओशन में होगा, ओशन हम कह क्यों रहे, क्योंकि मोस्टली हमारा जो वाटर प्रेजेंट है वो ओशंस में है, ठीक है। तो ये आपकी हुई हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी वाटर साइकिल, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं आपके कार्बन साइकिल की। अब अगर आप इसको देखें, देखिए कार्बन साइकिल की मैं बात कर रही हूँ, अब आप इसको अगर डायग्राम देखें तो मैंने बहुत सारी चीजें इसमें लिखी है, इसमें है आपका कार्बन आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको पता है कहाँ प्रेजेंट होता है, वो कोल में होता है, ऑयल में है, गैसेस यानी आपके जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इसमें सब में कार्बन है। अब आपने कार्बन को बर्न किया यानी कम्बशन की प्रोसेस, जब आप कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं या फॉसिल फ्यूल्स आपके बर्न होते हैं तो CO2 रिलीज होती है, ये प्रोसेस है कम्बशन की, ठीक है। ये कम्बशन की प्रोसेस के थ्रू आपका एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज होती है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। बाकी भी कई सारी चीजें हैं, आपके जो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनकी जिनकी हम कल बात कर रहे थे, प्रोड्यूसर्स ने रेस्पिरेशन के थ्रू हम सांस लेते हैं ना, अगर हम अपनी बात करें तो ह्यूमन बींग्स भी क्या कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम O2 को इनहेल कर रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो ये CO2 जाएगी वो कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो अगर हम अपने रोल के बारे में बात करें, ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें, तो कार्बन साइकिल में हमारी एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। हमने फॉसिल फ्यूल जलाए तो बहुत सारा कार्बन हम एटमॉस्फेयर में ऐसे रिलीज कर देते हैं, प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखें, अब हम ज्यादा LPG यूज करने लगे हैं, लेकिन अगर पुराने समय की बात करें तो ज्यादा, लेकिन अब हम केवल कुकिंग के लिए LPG यूज कर रहे हैं, बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, हम डेवलपिंग स्टेज में आ गए हैं, तो अब हम क्या करने लगे, हम ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, यानी कार्बन हम अब वैसे नहीं, तो हम ऐसे और भी ज्यादा ड्रास्टिक वे में बहुत ज्यादा हम कार्बन रिलीज कर रहे हैं। कार्बन का जब CO2 का कंसंट्रेशन बहुत, अगर हम लास्ट 8 लाख ईयर्स की पहले की बात करें, तो अभी हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो बहुत बहुत ज्यादा है लास्ट डिकेड्स में की अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो ये चेंज, अब कार्बन चेंज हुआ तो इसका इम्पैक्ट क्या है, हम क्यों बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन कार्बन, हम पॉल्यूशन और ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन का कंसंट्रेशन चेंज होगा तो नेचुरली ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगी। अब ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशन, ग्लोबल मतलब पूरे ओवरऑल, जब पूरे ओवरऑल एटमोसफेयर के क्लाइमेटिक कंडीशन में जब चेंज होता है तो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज उसको कहते हैं, ठीक है। ग्लोबल मतलब पूरे एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अब क्लाइमेट चेंज क्या करेगा, आपका अल्टर करेगा जो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, अब मैं बायोटिक एबायोटिक में कहां से है, क्योंकि हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी एबायोटिक फैक्टर्स मींस टेम्परेचर, वाटर, मॉइस्चर, ये सारी चीजें आपके चेंज होंगे, और ये सारी चेंज होगा यानी टेम्परेचर बढ़ेगा
ऑब्वियसली आपके आइस कैप्स या ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे जैसे आपके फिगर में आप देख रहे हैं, ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होंगे तो क्या होगा, आपका सी लेवल राइज करेगा। सी लेवल राइज करेगा तो इकोसिस्टम क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। किसी भी चीज की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी फैक्टर की क्वांटिटी, किसी भी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर की एक्सेस क्वांटिटी नेचुरली आपके जो बायोजियो केमिकल साइकिल्स है इनको क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। अब ये जो आपका वाटर में जो एक्सेस आपका ये आया है, आपका ओवरऑल आपके कार्बन ज्यादा होने की वजह से आपका ग्लोबल क्लाइमेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी हमारा इन्फ्लुएंस कितना है ये हमें बात कर रही, तो आपने क्या किया, हमने कहा कई सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया। डिफॉरेस्टेशन का मतलब कहीं पर जंगल था, हमने पूरा का पूरा उसको हटा दिया। डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपने कहा कि आपके जो प्लांट होते हैं वो कार्बन एब्जॉर्बेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि क्या करते हैं, ये कार्बन ले लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं डे के टाइम पे जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपका एक प्लांट जो है किसी आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि आपको वो ब्रीदिंग के लिए प्योर O2 दे रहा है और CO2 जो एटमोस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बहुत हार्मफुल है हमारे लिए, उसे वो इनटेक कर रहा है। तो लार्ज स्केल रिफोरेस्टेशन एंड अ ड्रामेटिक रिडक्शन इन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल आर नीडेड टू फ्लो। अब अगर आप क्लाइमेट चेंज बड़े इसमें बात करूँ तो कार्बन साइकिल को प्रॉपर करने के लिए या आपके ये स्टैटिस्टिक जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कम करने के लिए क्या करना होगा, आपको रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन दो टर्म है। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है किसी भी एरिया में जहां पहले प्लांटेशन था वहां से अगर आपने प्लांट हटा दिए, पूरी तरह से हटा दिए, तो दैट इज डिफॉरेस्टेशन, काट दी, खत्म कर दिए। यानी हमने किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए आपने कहा रोड बन रही है, डैम्स बन रहे हैं, या कोई किसी भी चीज के लिए अगर पूरा का पूरा जंगल हटा दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, और रिफॉरेस्टेशन है कि किसी भी बेयर लैंड में यानी खाली जगह में अगर आप दोबारा प्लांट लगा देते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो उसे कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।